राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में अपना सफर पूरा कर चुकी है। पिछले 16 दिनों में इस यात्रा ने प्रदेश में 485 किलोमीटर का सफर तय करके कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, साथ ही प्रदेश कांग्रेस को एक रखने में कामयाब भी हुई। 4 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान का सफर आज पूरा हो गया। 4 दिसंबर को झालावाड़ के चवली बॉर्डर से यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया था और आज इस यात्रा ने राजस्थान में अपना सफर पूरा कर लिया। अब कल यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। इस दौरान यात्रा का जायजा लिया हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से 16 दिन पूर्व चवरी बॉर्डर से राजस्थान में दाखिल हुई। उससे पहले कांग्रेस की हालत जगजाहिर थी, लेकिन ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, जन समर्थन के साथ साथ तमाम कांग्रेसी नेता एकजुटता दिखाते हुए राहुल गांधी के साथ कदम ताल करने लगे। जिस तरह का जन समर्थन मिला उससे कांग्रेसी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि यह उत्साह कब तक बना रहता है और जो जन समर्थन मिला है वो मतदान के अंदर कब तक कांग्रेस बनाए रखती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर दौरे के दौरान संवेदनशीलता दिखाई। कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को मदद की 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। नीमराना के सनित कुमार और रेणी के रामेश्वर दयाल मीणा पटवारी के पद पर कार्यरत थे। दोनों कार्मिक कोविड-19 ड्यूटी करते समय संक्रमित हो गए और उपचार के दौरान मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने इन दोनों कार्मिकों के आश्रितों संजू और कांताबाई की मदद की। दोनों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोटा के दौरे पर रहे, जहां कॉलेज के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हुए। मंत्री शेखावत ने फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कोटा में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज हाड़ौती अंचल के दौरे पर है। राजकीय महाविद्यालयों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे, छात्र सिंह जीवन के बहुत सारे किस्से सुनाए और इस वक्त वो वापस कोटा से रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। बातचीत करने की कोशिश करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से। शेखावत साहब, छात्र सिंह जीवन के आज बहुत सारे किस्से आपने सुनाए और आपने खासकर यह मुद्दा उठाया कि ऐसे शहर में जहाँ पर हजारों करोड़ के काम हो रहे हैं लेकिन कमरे तक नहीं है छात्रावास। सौंदर्यीकरण के लिए हजारों करोड़ के काम हो, मोबाइल बांटने के लिए 12,500 करोड़ रुपए का सरकार घोषणाएं करे, सिलेंडर में सब्सिडी देने के लिए 2,500 करोड़ रुपए दे और कॉलेज में कमरे नहीं हो, कॉलेज में टीचर्स नहीं हो, कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं हो। मुझे लगता है कि ऐसे काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं अपने काम का, कर्म का, आचरण का, व्यवहार का आकलन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हाड़ौती अंचल के आज दौरे पर थे, महाविद्यालयों के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे शहर में जहाँ पर सैकड़ों करोड़ के विकास के काम हो रहे हैं लेकिन वहाँ पर महाविद्यालय में भवन तक नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और किसी बड़े राजनीतिक मंच से मैं इस सवाल को उठाऊंगा भी। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए 1,055 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और जर्मन बैंक के एफडब्ल्यू के बीच प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत की मौजूदगी में एमओयू साइन किया गया। केएफडब्ल्यू के प्रतिनिधि सालिह यिल्द्रिम, आरबीपीएनएल के सी एस सी मीणा और ऊर्जा विभाग की तरफ से वरिष्ठ उप सचिव ब्रिज कुमार गुप्ता ने एमओयू पर साइन किए। एमओयू के तहत हरित ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए उदयपुर और हनुमानगढ़ में 400 केवी जीएसएस, डूंगरपुर व डालोत में 220 केवी जीएसएस के साथ ही ग्रिड सब स्टेशन से संबंधित लाइनों को विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर के लिए जर्मन बैंक के एफडब्ल्यू 414 करोड़ रुपए का ऋण देगा। वहीं 290 करोड़ रुपए का अनुदान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और शेष राशि को राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम वहन करेगा। प्रदेश में बिजली कटौती की मार झेल रहे लोगों के लिए कुछ राहत की खबर है। सूरतगढ़ की 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाई से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। इसके साथ ही कालीसिंध की बंद यूनिट से भी कल तक 600 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। दोनों यूनिट्स के बिजली से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को काफी मदद मिलेगी। खुद प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत बिजली आपूर्ति व्यवस्था की मॉनिटरिंग में लगे हैं। सावंत का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद मांग के अनुरूप सप्लाई में दिक्कतें आई थी। उत्पादन निगम की यूनिट्स के बंद होने के चलते सप्लाई में दिक्कतें आई थी, लेकिन सूरतगढ़ 660 मेगावाट की इकाई से उत्पादन शुरू हो चुका है। सावंत ने दावा किया कि हमारी कोशिश रहेगी कि आगे किसी भी जगह पावर कट नहीं हो। चार दिन से जो दिक्कतें हो रही थी उस वो मुख्य रूप से दो यूनिट्स जो 660 मेगावाट की सूरतगढ़ की और 600 मेगावाट की कालीसिंध की, ये डाउन होने के कारण हो गई थी। उसमें से ऑलरेडी 660 मेगावाट सूरतगढ़ की यूनिट जो है आज आ चुकी है
और काली सिंध की जो 600 मेगावाट की यूनिट है कल दोपहर तक आ जाएगी और इससे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये यूनिट जाने के कारण जो दिक्कत मुख्य रूप से हो गई सुबह के 2.5 घंटे और शाम के 3 घंटे में हो गई थी। बूंदी में बीजेपी की जन आक्रोश सभा आयोजित की गई। वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी समेत कई नेताओं ने शिरकत की। जिले भर से आए भाजपा के कार्यकर्ताओं को सभी पदाधिकारियों ने संबोधित किया, प्रदेश सरकार की खामियों को गिनाया और सरकार पर निशाना साधा। जन आक्रोश यात्रा तो 14 तारीख को पूरी हो गई। अब राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभाएं चल रही हैं, उसके तहत मैं बूंदी आया था और इसी के मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का 4 साल का शासन, अगर कोई उपलब्धि हम राजस्थान की सरकार की माने तो ये अराजक सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, आम जनता की चिंता करने में नहीं करने वाली सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है और केवल घोषणाओं की सरकार है। भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने जोधपुर के लूणी में महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया, घर घर पत्रक वितरित किए, प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए। पूर्व विधायक जोगाराम पटेल भी इस दौरान साथ में रहे। पटेल ने बताया कि भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने घर घर पत्रक वितरित किए, प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश जताया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। 25 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। तस्करी के काम में लिए जा रहे ट्रक को बरामद किया। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पीपलखूट थाना अधिकारी रोहित कुमार ने जानकारी दी। बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी। शराब की पेटियों के ऊपर लहसुन के कट्टे भरे हुए थे। अलग अलग अंग्रेजी ब्रांड की 369 पेटी शराब पकड़ी है। चेक किया, चेक में करने के दौरान जब हमने लहसुन के दुपट्टे थे उनको हटा कर देखा तो उस ट्रक के अंदर 3 ब्रांड के शराब के कार्टून मिले। जाप्ते ने पूछा इसके पास कोई लाइसेंस है कि नहीं है, उसने बताया कोई लाइसेंस नहीं है, अवैध शराब थी। तो पुलिस ने वो अवैध शराब से भरा हुआ जो ट्रक है वो जब्त किया और जो आरोपी है दादूराम पिता गंगाराम गोदारा उम्र 41 साल निवासी चितलवाना थाना चितलवाना जिला जालौर उसको गिरफ्तार किया। राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना पुलिस ने होटल मैनेजर से मारपीट करने वाले 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने 14 दिसंबर को एक होटल में जबरन घुसकर मैनेजर गौरव मिश्रा पर जानलेवा हमला कर दिया था। बदमाशों ने शहर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस हमले का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल कर दिया। गिरफ्तार बदमाशों में एक बदमाश दिनेश यादव RJ32 गैंग का सक्रिय सदस्य है। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से लड़कों को मिलाने और शादी की गारंटी दिलाने का मामला सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए CWC के अध्यक्ष और टीम बालिका सुधार गृह पहुंची, जहां टीम ने सुधार गृह के रिकॉर्ड को देखा, साथ ही संचालक और उनके सदस्यों से पूछताछ की। साथ ही बालिका सुधार गृह में मौजूद सभी बालिकाओं को तुरंत प्रभाव से राजकीय गृह में शिफ्ट किया गया। CWC अध्यक्ष ध्रुव कुमार कविया ने कहा कि मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है और इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो FIR दर्ज होगी, साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बालिका सुधार गृह के संचालिका ने इस पूरे मामले में लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। WC के संज्ञान में आते ही हम संस्थान में पहुंच गए हैं संपूर्ण जांच के लिए। हम सदस्य CWC से, मैं CWC अध्यक्ष हूं और सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग भी हमारे साथ में है। पूरी टीम के साथ हम आए हैं और संपूर्ण इस विषय की जांच करेंगे और जांच के बाद यदि दोष सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से हम FIR करवाएंगे और सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। तुरंत प्रभाव से बच्चियों को हम अभी राजकीय गृह में ट्रांसफ़र करेंगे। नहीं सर, हमारे यहाँ मेरा पूरा रिकॉर्ड है सर, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आए हैं गए हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है। ऐसा मैं बिल्कुल रिकॉर्ड कोई देखना चाहेगा तो मैं दिखा भी सकती हूँ। बहुत सारे बच्चे आए और गए और बिगड़ CWC के हम किसी को आने नहीं देते हैं। बिगड़ CWC के हमारे यहाँ किसी को भी एंट्री नहीं होती है।
जैसा सीडब्ल्यूसी आदेश देती है हम वैसे ही करते हैं। उदयपुरा गांव में कुएं में शव मिलने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पति की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि पत्नी और उसका प्रेमी है। पत्नी संतोष देवी पति मुकेश के चचेरे भाई महिपाल से प्यार करने लगी। देवर महिपाल के साथ जीवन बिताने की चाह में संतोष ने पति को ठिकाने लगाने की साजिश रची। दोनों आरोपियों ने पहले मुकेश को शराब पिलाई, बाद में गला घोटकर कुएं में फेंक दिया। दोनों ने 7 दिनों तक बात छिपाए रखी। बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मुकेश के शव को कुएं से बाहर निकाला। दोनों आरोपी महिपाल और संतोष की मदद महिपाल के मौसेरे भाई कल्याण ने भी की थी। मामले का खुलासा होने के डर से कल्याण ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक मुकेश के बहनोई ने थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में मृतक मुकेश कुमार का जीजा नेकी राम है, जो दूध वालों का बास का है, उसने FIR दर्ज कराई है। और FIR दर्ज के इसमें आरोपी जो महिपाल है, इसको हमने जोधपुर से डिटेन किया है। जोधपुर की ये यहाँ से अपना आप का बचाव करके फरार हो गया था। और महिपाल को लाने के बाद में विस्तृत रूप से महिपाल ने बताया कि मेरे साथ में मेरा मौसी का लड़का कल्याण भी साथ में था। और कल्याण का हमने जब पता करवाया तो कल्याण अपनी गिरफ्तारी के डर से उसी रात ट्रेन से कट करके और ये मर गया, जिसकी मरण रिपोर्ट रिंगस थाने में दर्ज हुई है। और महिपाल की तफ्तीश के अनुसार हमने आरोपिया को, जो मृतक की मिसेज है संतोष, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। प्रदेश के पशु चिकित्सक 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य स्तरीय क्रमिक अनशन पर है। आज डॉक्टर सुधाकर सैनी, डॉक्टर पंकज मोर, डॉक्टर सौरभ अमरवाल और डॉक्टर मनीष रसोलिया सहित 10 पशु चिकित्सक भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले आयोजित की जा रही है। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र जाखड़ ने बताया कि मांग पूर्ण नहीं होने पर भविष्य में पशु चिकित्सक कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। सबसे पहले गोपालन विभाग के कार्य और FMD टीकाकरण का बहिष्कार किया जाएगा। जयपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्मिकों ने जल भवन के आगे धरना प्रदर्शन किया। विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जताया। बताया कि 2 महीने पहले हुई DPC के पदस्थापन आदेश नहीं करने की वजह से नाराजगी है। वहीं चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा। चीफ इंजीनियर ने 2 दिन में पदस्थापन लिस्ट जारी करने का आश्वासन दिया है। कर्मचारी जो आज जो ज्ञापन दिया इन्होंने, इनकी बेसिक मोटी मांग तो ये है कि अभी हमारे यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति की गई थी, जो कि सतत प्रक्रिया में हमारे हुई थी है, तो उनके पदस्थापन आदेश जारी होने के लिए इन लोग आज इकट्ठे हुए थे कि काफ़ी टाइम हो गया पदस्थापन आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो उसके लिए इनका इतनी डिमांड थी कि ये आदेश जारी करवाया जाए। तो उसमें फाइल जो है हमारे यहाँ से मंत्री महोदय के यहाँ पर पहुँच गई है। तो मंत्री महोदय थोड़ा व्यस्त थे, तो वो फाइल जैसे ही हमारे पास, हमको उम्मीद है कि आज या कल में हमारे पास वो फाइल आ जाएगी, वो पदस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बस इनकी यही मांग है। और एक कुछ अभी कल भी कोई DPC हमने करी है, तो उसके भी ये कह रहे हैं कि साहब उसको भी फटाफट पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए जाए। ये मेन मांग है इनकी। तो उसमें हमारी कोशिश यही है कि अति शीघ्र ही के कार्रवाई करवा के ताकि करवा दी जाए, ताकि कोई इस तरह की बात नहीं रहे। बीकानेर में 6ठा राज्य वित्त आयोग का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोग के सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत, अशोक लाहोटी मौजूद रहे। लाहोटी ने कहा कि संभाग स्तर की चर्चाएं सरकार और आमजन में सेतु का कार्य करेगी। स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से अनुदान राशि का सदुपयोग हो सकेगा। वहीं जिला प्रमुख मोड़ाराम मेघवाल, श्रीगंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा ने भी सुझाव रखे। बीकानेर संभाग की पंचायती राज संस्थाओं की आज बैठक थी, जिसमें सभी प्रधान महोदय, सभी BDO, सभी जिला प्रमुख, सभी कलेक्टर महोदय, सभी लोग आमंत्रित थे। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग रहे और काफ़ी अच्छी बैठक रही, काफ़ी अच्छे सुझाव आए। लगभग 4,500 करोड़ रुपए सालाना पंचायती राज संस्थाओं को स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का जो है वो ग्रांट जाती है, उस सब का लेखा जोखा, किस प्रकार से काम करें, कैसे अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस ये कर सकते हैं, क्या काम उनको और करना चाहिए, क्या इन सब लोगों की वित्त आयोग से अपेक्षाएं हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हर संभाग स्तर पर इस तरह की मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। ये 5वां संभाग है जहाँ पर ये मीटिंग का आयोजन हुआ है। बहुत ही अच्छी मीटिंग का आयोजन हुआ।
करौली से अब खबर है। पाचरा बांध से नहरों में जल निकासी नहीं होने को लेकर बांध पर आयोजित महापंचायत ने बांध पर धरना और निगरानी जारी रखने का फैसला लिया। महापंचायत में पाचना गुड़ला लिफ्ट संघर्ष समिति से जुड़े बांध के पास के गांवों के किसान और गंभीर नदी तटीय गांवों के किसान शामिल रहे। पटना गुड़ला लिफ्ट संघर्ष समिति के अशोक सिंह धाबाई, गुर्जर नेता विजय बैसला, भानु प्रताप बट्टू सहित अन्य वक्ताओं ने बांध के पास गाँव में लिफ्ट के जरिए पानी मिलने पर ही जल निकासी होने की चेतावनी दोहराई, जबकि गंभीर नदी तटीय गांवों के किसानों ने गंभीर नदी में पानी छोड़ने की मांग रखी। महापंचायत में बांध की निगरानी जारी रखने के साथ 1 जनवरी को फिर से महापंचायत आयोजित करने का फैसला। पाचना बांध पे हमारी निगरानी पिछली 10 तारीख से चल रही है और हमारा कंटिन्यू महापड़ाव है। आज जो किसान महापंचायत हुई है उसमें ये निर्णय लिया है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी हमारा ये जो महापड़ाव है बदस्तूर ये जारी रहेगा। और मुख्यमंत्री, हमने सुना है कि 24-25 में मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है करौली में। आज ये लाखों की संख्या में जो किसान आए हैं, प्रत्येक किसान जिस दिन मुख्यमंत्री करौली उतरेंगे अपने घर पर काला झंडा लगा के उनका विरोध प्रदर्शित करेगा। 17-18 साल से संघर्ष चालू और इन सालों में सरकारों को समझ में नहीं आई कि लोग प्यासे मर रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आई कि बच्चे नपुंसक पैदा होना शुरू हो गए। इनको ये समझ में नहीं आई कि औरतें बांझ हो रही हैं। उनको ये समझ में नहीं आई कि पुरुष नपुंसक हो रहे हैं। और ये हम राजस्थान के लोग हैं। बात ये नहीं है कि पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आने से जो कार्य हो रहे हैं उसके पर कौन देखेगा? और यहाँ के जो स्थानीय MLA हैं, ये 4-5 जितने भी हैं, भजन लाल यादव जी आपके, ये रामकेश और अमर और ये भरोसी और लाखन जी, ये सारे के सारे इसके जिम्मेदार हैं खुले। 4 साल से इनको सूखी नदी नहीं दिखाई। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा से अब खबर है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मंत्री उदयलाल आंजना ने निमाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में कराए विकास कार्यों पर चर्चा की, साथ ही सहकारिता विभाग में अब तक की उपलब्धियों पर चर्चा की, आने वाले साल में करने वाले कार्यों से अवगत करवाया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना आज निम्बाहेड़ा में पत्रकारों से रूबरू हुए हैं और निश्चित तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की तो बात की ही है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे 4 साल पूरे हुए हैं सरकार के अपने विभाग की, जिस तरह से आपके विभाग ने आपने ज्वाइन किया उसके बाद से जो काम देखे जाएँ तो शुरुआत में खूब सारे काम हुए, लेकिन अपन 4 सालों में 4 कोई बड़े काम जिन्हें आप याद करते हो? 4 सालों में सबसे बड़ा काम जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी राजस्थान में कि हमारी सरकार बनाओगे आप तो हम किसानों का कृषि ऋण माफ़ करेंगे, वो मुद्दा हमारा पहला था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन के अंदर ही ऋण माफ़ी की घोषणा करके वो मुद्दा कर दिया, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे विपक्ष कितने ही वातावरण बनाने का प्रयास करे लेकिन किसान इससे प्रभावित हुए कि निसंदेह कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। उसके बाद सब जगह GSS नहीं थी, बहुत अन्याय हो रहा था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक घोषणा और की थी कि हर साल 500 GSS नहीं खोलेंगे, तो हम उसको हर साल प्राप्त कर रहे हैं और 2000 GSS सरकार की कार्य पूर्ण होने तक हम 2000 GSS खोल देंगे। और तीसरा सबसे ज़्यादा पीड़ा ये होती थी कि जब समर्थन मूल्य पे माल खरीद लिया जाता था किसानों को भुगतान के लिए भटकना पड़ता था, महीने दो दो महीने तीन तीन महीने तक भी कभी निकल जाते थे भारत सरकार से या जो भी संस्था माल खरीदवाती है उसका भुगतान नहीं आता था तो किसान परेशान होते थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1000 करोड़ का फंड हमें उपलब्ध करा दिया, इस कारण से हम 3 दिन के अंदर उनका भुगतान कर पा रहे हैं। और चौथा हमने बैंकों में भर्ती की कमी थी, इस कारण से 715 आदमियों को हमने नई भर्ती करके बैंकों का काम स्मूथ करने का प्रयास किया, तो ये हमारी जो भी उपलब्धि है ना। बाकी तो और हर आइटम को हमने कंप्यूटराइज कर दिया ताकि सब सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है, राजस्थान में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहे थे तो हमने चुनाव कराए और साल के अंत तक बैंक स्तर तक के भी चुनाव करा दिए जाएंगे ताकि सहकारिता का कोई मामला पेंडिंग नहीं रहे। साथ ही एक समस्या और आई कि जानबूझ करके GSS पे जो अध्यक्ष होते हैं मनमानी करते हैं और कुछ किसानों को जान करके कृषि ऋण जो बिना ब्याज का मिलता है वो देते नहीं है क्योंकि वो उनका वोटर नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए आगे 1 साल और बाकी है, इसमें पूरा हो जाएगा? 100% पूरा करेंगे उसको।
तो ये तो सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो वादे किए हैं हमने निश्चित तौर पर पूरे किए हैं, और जिस तरह से हमने ऋण माफ़ी की बात की थी तो दो दिन में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिकॉर्ड की घोषणा कर दी थी। और देखा जाए तो जिस प्रकार से हमने पारदर्शिता से जो ऋण माफ़ी की है, भाजपा कितने भी आरोप लगाए लेकिन कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो आकर के ये कह सके कि हमारा ऋण माफ़ नहीं हुआ है। दूसरा, उन्होंने 4 साल में जो काम किए हैं उनको भी गिना है और साथ जो करने वाले हैं उनको भी बताया है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़।